बीए धारक हैं। देखिए, हमारी लड़ाई ईटीसी बीए से नहीं है, हमको अपने धरने को शांतिपूर्ण तरीके से, अपने आंदोलन को, महापंचायत को शांतिपूर्ण तरीके से करना है। हमें सरकार से हमारा सिर्फ इतना निवेदन है कि हमें अपने मांग को लड़ना है। जैसे कि देखिए, बीटीसी बीए का जो मामला चलता आया 2018 में आया, 2018 में आने के बाद आप लोगों ने 2015 में 68,500 वैकेंसी आप निकाले, ओनली बीटीसी लिए आप वैकेंसी खाली चली गई, बीए नहीं लिया। दोबारा आप गजट आया 2018 में आया, गजट में आपने बीएड को भी मान किया। हम कह रहे हैं बीएड प्राथमिक रूप पर पढ़ाने लायक भले हैं, लेकिन जितने हमारे भाई बहन हैं हम लोगों ने जितना समय अपना बेकार किया, दो तीन साल पैसा 2-3 लाख रुपए खर्च किया, कई बार कोचिंग की, हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे जितने भी साथी हैं, हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुँचे और हमारी जितनी भी समस्याएं हैं आप एक नया विधेयक लाइए, विधेयक के साथ हम लोगों को भी नई भर्ती में शामिल करिए। शामिल करने के बाद नहीं तो हमारी समस्याएं भी मतलब बढ़ती जाएगी, हम लोग न जी पाएंगे न घुमा पाएंगे, घर वाले परेशान, सभी परेशान। आप लोग मैं बस यही निवेदन करूँगा, शांति ढंग तरीके से आंदोलन को शांतिपूर्वक बनाना है और किसी भी तरीके से कोई उपद्रव हम लोग नहीं करना है। धन्यवाद।